मसी के जिंदा बबरकत जलाली पवित्र पुरफजल पाक और बेब नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ मैं आपकी होस्ट जूनीटा अरुण भट्टी एक बार फिर एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज फिर एक बार बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ मैं आप लोगों के साथ जो है मुखातिब हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद होंगे आज सेट पे जो आपके लिए इंस्पायरेशन होंगी जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं साइकोलॉजी में वो बेस कर रही हैं और बहुत ही कम उम्र में आज वो आपको सिखाएंगी कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है और किस तरह से अपने मुल्क के अपनी कौम के और अपने यश्व के नाम को जलाल देना है और मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगी मुझे खुशी हो रही है अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवा हुए हमारे साथ हमारी नौजवान बेटी हैं दनीता गौरी दनीता गौरी मैं वेलकम करती हूं बेटा आपको इस शो पर थैंक यू द लॉर्ड सलाम हम आपके साथ जैसे हमारा कमिटमेंट है कि हम आपके सामने नए चेहरे लाएंगे नए नौजवानों को लाएंगे आपके लिए एक नई गाइड नई उम्मीद लाएंगे तो बेटी हमारी जो है वो एक छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा काम कर रही है और वो जरूर आपके साथ शेयर करेंगी और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हमारे नौजवान हमारे नौजवान बेटे और बेटियाँ जब आज की एपिसोड को देखेंगे तो ज़रूर उनको मोटिवेशन हासिल होगी और जरूर वो हिम्मत पकड़ेंगे इनक्रेज होंगे कि हमें आगे बढ़ना है और हम भी इस बेटी की तरह जो है वो आगे बढ़ सकते हैं रिलेटेड है? अच्छा वीडियोस बनाती हूँ वो मैं यहाँ शेयर कर सकू और वो बहुत से लोगों तक पहुंच सके और लोगों से सीख सके बहुत अच्छी बात है और हमें भी बहुत ज्यादा खुशी हुई है जब मैंने आपकी वीडियोज देखी तो मैं वाकई में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और मैं इंस्पायर हुई कि इस एज में भी खुदाउन जो है वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने एक स्टेप लिया है कि आप आगे बढ़ के जो आपके अंदर नॉलेज है जो सीख आपके अंदर है वो आप दूसरों के साथ शेयर कर सको तो ये बहुत अच्छा स्टेप आपने लिया है और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और मैं कहूँगी ये सेल्फ मोटिवेशन है अभी आप अपनी जर्नी जब शेयर करेंगी तो हमें पता चलेगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने खुद से ये स्टेप लिया है किसी ने फोर्सफुली आपको नहीं कहा तो अगर ये आपकी अपनी एफर्ट है एक अपनी सोच है तो सोच को ये कि जब आगे बढ़े हो तो ज़रूर हम आ, हम सब आज जो हैं वो जब देख रहे होंगे मेरे साथ नौजवान भी तो वो भी आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आपने इतनी अच्छी कावि स्टार्ट की है चले हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दिनीता बच्चा आप जरूर आ, नौजवानों के साथ शेयर करें कि आपने जब ये स्टार्ट लिया है किस थॉट को लेके या क्या मोटिवेशन आपके माइंड में आई क्या चीज़ आपके जहन में आई कि आपने सोचा कि ये चीज़ मैं करूं आजकल हमारे इर्द गिर्द मोटिवेटर से ज़्यादा डी हैं जो हमेशा गिराने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं आप कर नहीं सकते आप कर नहीं सकते अभी स्टार्ट भी नहीं लिया होता इवन इंसान खुद कहना शुरू हो जाता है कि मुझसे नहीं होगा या मैं कर नहीं सकता तो इस वजह से मैंने स्टेप लिया कि मैं मोटिवेट करूँगी लोगों को और अपनी सराउंडिंग्स में जो मैंने देखा कि आजकल डाइवोर्स रेशो बहुत ज़्यादा है और पेरेंटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है पेरेंट्स जो हैं वो आजकल बिज़ी हो गए हैं अपनी जॉब्स में जिसकी वजह से वो बच्चों पर तोज् नहीं दे पा रहे तो इस से पेरेंटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा खराब है और दूसरा रिलेशनशिप्स जो है वो ज़्यादा वीक होते जा रहे हैं तो इसी चीज को लेके मैंने आगे आगाज किया इन वीडियोस का कि मैं लोगों को सिखा सकूं और इनको साइकोलॉजी से सा रिलेट कर सकूं कि जब हम इस तरह तरह की चीज़ें करते हैं तो किस से साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं लोगों में आना शुरू होती हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम प्रॉब्लमेटिक होता है बहुत अच्छी आपकी सोच भी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बर्डन आपने फील किया बहुत अच्छी बात है कि आपने इस बर्ड को फील किया आपने बोझ को फील किया ताकि आप दूसरों के साथ शेयर कर सको जो आप सीख रहे हो साइकोलॉजी में पढ़ रहे हो दूसरों को आप सिखा सको ताकि उनको गाइड मिल सके अपने रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकें और नो डाउट आई अ पेरेंट तो मुझे भी आइडिया है कि बच्चों को इस दौर में टाइम देना उनको सिखाना कितना ज़रूरी है उनकी साइकी को समझना कितना ज़रूरी है मैं आप सबको बताती चलूँ मैं बहुत बार एज अ पेरेंट फील करती हूँ मुझे ऐसा लगता है अगर मैं किसी को कोई स्टेटमेंट दूँ एज अ पेरेंट तो मेरा दिल करता है मैं कहूँ कि आज के पेरेंट्स को सबको ही साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए क्योंकि एक बच्चे की साइकी को समझना और उसे <coughs> उसकी साइकी के अकॉर्डिंग डील करना यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसकी ग्रूमिंग के लिए उसकी तरबियत के लिए उसकी परवरिश के लिए तो आपने उस को लेके जो ये स्टेप लिया है ये वाकई अप्रिशेबल और हम आपको रियली वी यू फॉर दिस ग्रेट थैंक दनीता अब आप जैसे आपने अभी बताया है कि आप वीडियोस वगैरह बना के तो ये सारा कंटेंट या जो आपके अंदर है वो आप शेयर करते हो लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा अपना डिटेल्ड इंट्रोडक्शन दो कि आप क्या कर रहे हो और किस तरह से आपने ये स्टार्ट लिया है? इतनी यंग एज में जो है ना या कब से आप ये कर रहे हो और कितना टाइम आपको ये हो गया ये करते हुए और आपकी स्टडी क्या है किस तरह से आप इसको कर रहे हो और किस तरह इसको आप अपने काम के साथ रिलेट करते हो अगर मैं ये कहूँ कि मुझे खुदा ने माँ के पेट से सुना है तो ये गलत नहीं होगा खुदा ने मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी हैं और ब्लेस किया है मैं 15 इयर्स की थी जब मैं पेपटाइज हुई पानी से और फिर 16 इयर्स की एज में खुदा ने मुझे पाखरू जैसा तोहफ़ा दिया और तब से मैं ख़िदत कर रही हूँ चर्च में उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता तहरीरें लिखना शुरू की मसीही तहरीरें लिखती थी और मैं वो मसीही तहरीरें थी उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे वीडियोज़ बनानी चाहिए क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लोग केयरलेस हैं और स्पेशली पेरेंट्स बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं और इतने केयरलेस हैं कि जब बेबी इस दुनिया में आता है अगर मैं एग्जांपल दूं कि बेबी इस दुनिया में आता है तो पेरेंट्स कहते हैं कि अभी इसका नाम नहीं सोचा वन मंथ गुजर जाता है वन एंड हाफ मंथ गुजर जाता है कहते हैं वो वाले पुप्पो डिसाइड करेंगे ये, ये वाले चाचू डिसाइड करेंगे मतलब नाइन मंथ्स में आपने डिसाइड नहीं किया एक बेटी होगी या बेटा होगा लेकिन उसमें डिसाइड नहीं किया कि इसका नाम क्या रखना है आपका बेबी जब इस दुनिया में आ रहा है आप उसे आइडेंटिटी नहीं दे रहे तो इससे ज्यादा केयरलेसनेस मेरे ख्याल से कुछ नहीं हो सकती अभी तो मैंने स्टार्टिंग का बताया अगर हम पूरी लाइफ की तरफ देखें तो ये बहुत ज्यादा चीज़ें हैं जो हमें नोट करने की ज़रूरत करने की मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब ये एक छोटा सा स्टेप है जहाँ पे एक पेरेंट की डेडिकेशन शो होती है स्टार्टिंग में कि वो कितना कर रहे हैं मैं अगर एज ए पेरेंट आपसे शेयर करूँ तो ये आ, खुद की ये सेल्फ प्रेजिंग नहीं होगी लेकिन नो डाउट यही है कि जब खुदा ने हमें ब्लेस किया तो हम बहुत सारी दुआएं करते थे और बहुत सारी एक्टिविटीज़ मतलब जब हम कर रहे थे तो हम इसी पर्पज से पर्पजली बहुत सारी चीज़ें करते थे ताकि हमारा बच्चा जो है वो माँ के पेट से ही सीखना शुरू कर दे तो हमें ज़रूर इन चीज़ों को चाहे वो फोकस करना चाहिए दैनिता जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उस एक प्रोसेस से गुजर कर हम किसी मकाम तक पहुंचते हैं तो आपने जब ये चीज़ स्टार्ट की है तो यू आर अ गर्ल आप एक लड़की भी हो मतलब आप कौम की बेटी हो नो no डाउट हमें फ़ख्र है कि आप इस चीज़ को लीड कर रहे हो लेकिन एज अ गर्ल मे बी इस सारे uh, सारी सिचुएशन में मैंने देखा है काफ़ी बोल्ड टॉपिक्स पे आपने वीडियोस बनाई हैं uh, औरत के टॉपिक पे भी मैंने आपको देखा है एक वीडियो के आपने उस पर बोला है तो मे बी आपको हर्डल्स भी इसमें बहुत सारी मुश्किल भी पेश आती होंगी तो ज़रूर आप नौजवानों से शेयर करें कि अगर ये मुश्किलात आती हैं तो वो क्या मुश्किलात हैं और हम किस तरह उन पे काबू पा सकते हैं अगर मैं इसको बताऊं तो मैं आगाज़ करूंगी इस बात से कि मेरी एक पोस्ट के नीचे एक भाई ने आके कमेंट किया था कि आप आप हर वक्त खुश रहती हैं आप नहीं जानती कि हमारी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं आपकी सारी पोस्ट पॉजिटिव होती हैं ऐसे लगता है आपने कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं फेस की लेकिन ऐसा नहीं होता मैं सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिविटी की तरफ रहती हूँ ताकि लोग पॉजिटिव वाइब्स आए लोगों की तरफ और पॉजिटिव सीख सकें जिस तरह कोई नेगेटिव पोस्ट आती है जैसा पोस्ट में होता है हमारे वैसे इमोशन्स होना शुरू हो जाते हैं और हम नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं और ये नेचर भी है ये नेचर का एक कॉन्सेप्ट है कि जब आप पॉजिटिव कोई जवाब देते हैं तो आपकी तरफ पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और जब आप नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव वाइब्स आती हैं तो जरूरी नहीं आप सोशल मीडिया पर नेगेटिव चीजें शेयर करें या अपने हर्डल्स को बताएं मैं अपनी वीडियो में थोड़ा बहुत बताती रहती हूं लेकिन मैं एक लड़की हूं मुझे बहुत शौक था खिदमत करने का जब मैं स्कूल में थी तो नॉन क्रिस्स जो थे मुझसे क्वेश्चन पूछते थे बाइबल से रिलेटेड और मुझे आते नहीं थे तो मेरे पास लड़ने के अलावा और कोई काम नहीं होता था मैं आगे से लड़ना शुरू हो जाती थी फिर मुझे लगा कि मुझे बाइबल पढ़नी चाहिए और खुदा से इन सवालों के जवाब पूछने चाहिए मैं अपने फादर से पूछती रहती थी लेकिन मुझे सेटिस्फिकेशन नहीं होती थी क्योंकि जब हम खुद बताते हैं तो आपके आपको बाइबल की वर्सेस जो हैं वो लिंक होना शुरू हो जाती हैं और आप अच्छे से किसी को, को सेटिस्फाई कर सकते हैं तो फिर मैंने इसका आगाज़ किया अब मैं क्योंकि फीमेल थी तो मैं सोसाइटी में निकल नहीं सकती थी लोगों के घर में जा विजिट नहीं कर सकती थी तो मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लगा जहाँ पे मुझे लगा कि मैं शेयर कर सकूँ और फिर मैंने वहाँ पे लिखने से आगाज़ किया मैं कलाम पूरा पूरा मैसेज जो है वो तहरीरों में लिख के सेंड कर देती थी जिससे लोग पढ़ते थे और ब्लैसिंग्स मिलती थी और बहुत से पास्टर्स मेरे लिखे हुए जो मैसेजेस हैं वो अपने चर्चेज में कलाम सुनाता है खुदाउंद आपको हर तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं रूहानी तौर पर भी और ये जो एक जिसमानी ब्लेसिंग के लिए भी जिसमान इस गाइड के लिए भी जो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जैसे अभी बेटी ने आ, अपने बारे में बताया कि उसको बहुत ज़्यादा शौक़ था कि वो खुदा के लिए भी काम करे और जब वो आ, उन्होंने अपने स्कूल लाइफ का इवेंट शेयर किया तो आ, मैं बताती चलूँ कि इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान सीखें इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान बाइबल को पढ़ें जब वो बाइबल में से सीखेंगे तो फिर खुदा का रूह जो उनको भरेगा उस कलाम से तो उसी कलाम के वसीला से वो लोगों को गाइड कर सकेंगे नो डाउट खुदाद के कलाम में लिखा है और हमें पता है कि खुदा का रूह ही कायल करता है लेकिन जब हम बोलते हैं तो फिर खुदा का रूह काम करता है तो ये एक अच्छा इनिश्चर टिव था जो आपने लिया आपको लगा कि मैं बाहर डोर टू डोर अगर नहीं जा सकती तो आपने गिव अप नहीं किया आपने अपने आप को एक्सक्यूज नहीं दी आपने ये नहीं सोचा कि नहीं ये काम तो मैं कर ही नहीं सकती आपने एक और वे ढूंढ लिया और आ, अब हमारी एक और एपिसोड जो है वो आ, मीडिया के हवाले से भी हम लोगों ने की है ताकि हम बच्चों को और ज़्यादा बता सकें कि यही मीडिया जो है वो हम एक पॉजिटिव पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते मैं सबको बताती चलूँ कि हमने सी का आगाज़ दस साल पहले फ़ेसबुक से किया था हम कोई जो लोग थे टीम मेम्बर्स एक दूसरे को फिज़िकली मतलब जिसमानी तौर पर हम किसी को भी नहीं जानते थे एक दूसरे से हम आ, मिले नहीं थे सब अलग अलग एरियाज में थे लेकिन हमने इस मीडिया को ही चूज़ करके तो अपने ही खिदमत का आगाज़ किया तो आपने भी इसी मीडिया को चूज़ किया है और पैशन है आप में तो ज़रूर खुदा आपको भी बहुत आगे लेके जाएंगे दनीता जैसे आप शुरू से ही देख रहे हो कि जैसे जब से एपिसोड स्टार्ट की है तो मैं एक्साइटेड हूँ मैं खुश हूँ और मेरी खुशी यही है कि मैं एक आ, नौजवान को जो है वो एक पैशनेट नौजवान को देख रही हूँ कि वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है मैं चाहूँगी कि ज़रूर आप बाकी नौजवानों से भी बात करें और उनको भी बोलें कि जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है वेल एंड गुड लेकिन जो नहीं कर रहे ज़रूर वो आप उनको गाइड करें उनको मोटिवेट करें कि वो ज़रूर आगे बढ़ें वो कदम उठाएं अपने लिए अपनी कम्युनिटी के लिए आगे बढ़ें मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाई थी और मैं फिर से यही कहना चाहूँगी यूथ के लिए कि आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे जो देखने को मिलता है मैं खुद भी ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो यही पेरेंट्स कहते हैं कि हमें आगे नहीं आने देते हम कर नहीं सकते हम कर नहीं सकते हम सब कुछ कर सकते हैं अगर आप में स्किल्स हैं तो आप अपनी जगह कहीं भी बना सकते हैं लेकिन ज़रूरत यह है कि आप अपना वो चीज़ चूज़ करें जिसमें आपकी स्किल्स हैं ये ना देखें कि ये बंदा ये कर रहा है इस में इसकी प्रॉस्पेरिटी है तो मैं भी ये करना शुरू हो जाऊंगा तो मैं भी प्रॉस्पर हो जाऊंगा आपको प्रॉस्पर आपकी स्किल्स करेंगी आप दूसरों को देखते हैं कि वो इस स्टेज पे है आप उसकी कामयाबी देख रहे हैं आप उसकी जो उसने स्ट्रगल्स की हैं वो नहीं देख रहे जब रेस होती है तो उसमें हमें पार्टिसिपेंट सिर्फ भागते हुए नज़र आते हैं विन करते हुए नज़र आते हैं या वो हार जाते हैं हम वो देखते हैं लेकिन हम उनकी स्ट्रगल्स नहीं देखते कि वो पीछे कौन सी स्ट्रगल्स कर रहे हैं इसी तरह से अगर मैं आज प्रॉस्पर हूँ अगर मैं मैंने स्टार्ट किया है और बहुत से लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये शुरू से ही सब लोग थे मैंने बिल्कुल एक मेरी पोस्ट पर एक लाइक होता था और एक कॉमेंट होता था उसी से मैंने स्टार्ट किया और आज स्टार्ट करते करते हंड्रेड्स में भी होते हैं और खुदा उनका शुक्र है कि खुदाउन मुझे बढ़ा रहा है और नए नए मौके अता कर रहा है तो मैं यही कहूंगी आप जो कर रहे हैं वो दिल लगा के करें खुदा के कलाम में लिखा है कि जो काम करते हो ये जान कर करो कि खुदा के लिए करते हो तो यकीन खुदा आपको तरक्की देगा और आपको बढ़ाएगा यही वजह है कि खुदा मुझे तरक्की दे रहा है मुझे बढ़ा रहा है मेरे फ़ादर ने हमेशा हमारी रूहानी तलीम की फ़िक्र की और जस्मानी तलीम की फ़िक्र खुदा करता गया और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं, आ, मुझे आगे नहीं आने दिया गया बल्कि मैं अपने टीचर्स की फेवरेट रही हूँ और मेरे टीचर्स पसंद करते हैं मुझे और मुझे बहुत से इंटर्नशिप्स की ऑफ़र होती हैं और ये खुदावन के नाम को झला लें फ्रेस गॉड और अभी आपने सिर्फ एक कदम उठाया आपने कि खुदावन ने आपके बर्डन को देखा खुदावन ने देखा कि आपने एक पैशन से एक बोझ एफर्ट की है और किस तरह स्लोली स्लोली अभी रिसेंटली जो हमने एक वीडियो भी शेयर की है स्पिरिचुअल सोल्जर तो उसमें बहुत अच्छा वो बयान किया है ने उसको रिलेट किया गया है जिसमानी जो सोल्जर हैं जो हमारे आर्मी के पर्सन होते हैं उनसे कि किस तरह से उनकी पहले ट्रेनिंग होती है और फिर जाके वो लीड करते हैं और फाइट करते हैं और किस तरह से उनमें यूनिटी होती है किस तरह से वो एक दूसरे को कवर दे रहे होते हैं हमें भी इसी तरह एक दूसरे को प्रेयर्स का कवर देना है हमें भी एक दूसरे को सपोर्ट करना है और वो प्रोसेस को याद रखना है कि प्रोसेस से गुज़र कर ही हम किसी मकाम पर आ सकते हैं प्रोसेस से गुजर कर स्ट्रगल करके ही हम वॉरियर बन सकते हैं और हम भी सोल्जर बन सकते हैं तो वो प्रोसेस से आप गुज़रे आप अभी भी गुजर रहे हैं और वो मेरे ख्याल में वो हम गुजरते ही रहते हैं और हमने गुजरना है उदाम के कलाम में लिखा है कि मैं तेरी आँखों के सब आंसू पहुँच दूँगा तो वो आंसू पहुँचने का जो है वो हेवनली किंगडम में जो बादशाहत है तब के लिए वादा है ये जो हमारी ज़िंदगी है इसमें गिरना और उठना लगा रहेगा लेकिन यह है कि आपने किस वाकई जो आपने बोला है कि आपने सिर्फ किसी की सक्सेस को नहीं देखना आपने स्ट्रगल के बारे में भी सोचना है और फिर आपने अपनी अपना जो सफ़र है उसमें स्ट्रगल कर करके आगे बढ़ना है दिनीता अभी जो है हम मोस्टली अपने लीडर्स को बुलाते हैं स्परिचुअल लीडर्स को बिज़नेस लीडर को और उन्हें हम कहते हैं हमारा सोल क्वेश्चन जो है हमारे शो का यही है कि आप जो कर रहे हो आपके पास जो टैलेंट है आपके पास जो ब्लेसिंग है आपकी जो खदमत है वो आप यूथ के साथ शेयर करो आप उनके साथ कमिटमेंट करें कि यस ये मेरे पास है ये हम कर रहे हैं और यूथ आपके पास आए और वो नौजवान इन सारी फैसिलिटीज से इन ब्लेसिंग से जो है वो फ़ायदा उठाएं तो आप तो भी बहुत छोटे हो लेकिन फिर भी मुझे ये क्वेश्चन करते हुए खुशी हो रही है कि आपको जो खुदा ने तोड़ा दिया है ये सारी ब्लेसिंग्स जो आप काम कर रहे हो किस तरह से आप यूथ को इसके थ्रू सपोर्ट कर सकते हो किस तरह से आप इसको दूसरों के लिए बेनिफिशियल बना सकते हो जैसे मैंने पहले बताया कि आजकल पेरेंट्स बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं तो बहुत सी लड़कियां हैं जो मुझसे क्वेश्चंस पूछती हैं जो बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स पे होते हैं जो अब मदर्स गाइड नहीं कर रही और वो लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं इश्यूज होते हैं वो फिर मुझसे क्वेश्चन पूछती हैं मेरी फील्ड साइकोलॉजी है लेकिन अगर किसी को मेडिकल से रिलेटेड कुछ और इशूज़ हों तो मैं उनको सर्च करके अपने टीचर से कॉन्टेक्ट करके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हूँ अगर किसी को कोई साइकोलॉजिकल ईश्यूज़ हों तो वो भी मुझसे कॉन्टेक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को ये नहीं आगे पता कि हमने करना क्या है मैट्रिक के बाद आगे समझ नहीं आती कि एफ एस सी करनी है लग रहा होता है मैट्रिक से ही लग रहा होता है कि हम साइंस रखेंगे तो हम डॉक्टर बन जाएंगे अगर मैं आपके साथ अपना शेयर करूँ तो मैंने मैट्रिक में साइंस पढ़ी है फिर मैंने आई कॉम किया बिजनेस की फील्ड में चली गई और फिर मैं साइंस की फील्ड में आ गई और अब मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ तो ये साइंस पढ़ना जो है वो डॉक्टर की स्टैंप आप पे नहीं लगाता मैं फिर से कहूँगी आपकी स्किल्स आपको आगे लेके आती हैं और बच्चों को जो समझ नहीं आ रही होती कि आगे हमने क्या पढ़ना है कौन से सब्जेक्ट रखने हैं किसी के अच्छे मार्क्स आ जाए तो उसको एफ की तरफ ले जाते हैं कि आप एफ कर लो और वो बच्चा उस काबिल नहीं होता वहाँ पर जाके जैसे मैंने पहले भी एक मिसाल दी थी जैसे मैंने पहले भी एक मिसाल दी थी कि आप कपड़े धोने की मशीन में बर्तन धोना शुरू कर देंगे तो वो टूट जाएंगे इसी तरह से जो बच्चा जिस सब्जेक्ट के लिए जिस फील्ड के लिए बना ही नहीं है जब पेरेंट्स ज़बरदस्ती उसके अंदर बच्चे को कह रहे हैं आपने ये पढ़ना है डॉक्टर ही बनना है तो बच्चे की जो स्किल्स हैं जो के अंदर हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा तो जो बच्चों को समझ नहीं आती कि फ्यूचर में क्या करना है कौन से सब्जेक्ट्स हमारे लिए अच्छे हैं है, उनको भी गाइड करती हूँ काउंसलिंग करती हूँ अगर जो मैंने इश्यूज अभी आपको बताए हैं अगर इससे रिलेटेड किसी को इश्यूज़ हैं किसी को काउंसलिंग की ज़रूरत है कोई हेल्प चाहिए तो स्क्रीन पर मेरे अकाउंट शेयर कर दिए जाएंगे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकूँ थैंक यू सो मच नीता और ये बहुत ही अच्छी बात है बहुत सारी चीज़ें हैं मैं ये समझती हूँ कि आज के दौर में अगर कोई शख्स आपकी साइकी को अंडरस्टैंड करता है और उसके अकॉर्डिंगली आपको डील करता है गाइड करता है तो ये सबसे बड़ी ब्लैसिंग है क्योंकि अगर हम दुनियावी तौर पर देखें तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है और बहुत सारे लोगों की लाइफ में इश्यूज़ इसी वजह से होते हैं लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा होता है कि हमारे हमारी वर्थ नहीं है तो किसी भी तरह से अगर किसी को इस तरह की गाइड चाहिए जैसे करियर काउंसलिंग का भी आपने हवाला दिया कि बच्चे जब कुछ नहीं उनको समझ आ रहा तो आप साइकोलॉजी के आप साइकोलॉजी को यूज़ करके कि इसमें क्या टैलेंट है उसमें क्या स्किल है उसकी थॉट क्या है तो आप उसको डील कर सकते हो और डील करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है आ, बहुत ही आ, अच्छी चीज़ें बेटी के साथ जो है वो सीखने को मुझे भी मिल रही थी हम लोग शेयर भी कर रहे थे एक सेंसिटिव और अहम टॉपिक था कि साइकोलॉजी के हवाले से भी हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर रहे थे लेकिन ऑब्वियसली इट्स एन एपिसोड तो हमें इसको वाइंड अप करना है और इसी वक्त में जितनी चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर सके हैं हमने की हैं नौजवानों से पेरेंट्स से हर एक से मैं मुखातिब हूँ कि बेटी को खुदा ने बर्क दी है बोझ दिया है तो कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको लगा कि हम ये सही नहीं कर रहे हैं एज अ पेरेंट तो आज की बातों से अगर आपको कोई सीख मिली है कोई आपको गाइड मिली है एनकरेजमेंट मिली है तो ज़रूर उसको प्रैक्टिकल करें एज अ पेरेंट जो है ज़रूर अपने बच्चों पर ध्यान दें और नौजवान जो हैं अगर वो किसी भी किस्म के प्रॉब्लम का शिकार हैं किसी भी चीज़ से आ, किसी भी चीज़ की वजह से वो सफरिंग में है कोई परेशानी है कोई कन्फ्यूजन है तो जरूर आप बेटी से राबा कर सकते हैं क्योंकि चीज़ को डील करती हैं साइकोलॉजी पढ़ रही हैं बाई प्रोफेशन वो इसको डील करती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसके अलावा हमारी बेटियाँ बहुत दफ़ा ये होता है कि कुछ ऐसे मसले होते हैं कि ऐसे माइंड में थाट्स होती हैं परेशानियाँ होती हैं जो समाइम आप किसी से शेयर नहीं कर पाते तो वो एक बेटी है वो एक बहन है ज़रूर आपसे कांटेक्ट करें वो ज़रूर आपकी गाइड बनेगी और मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा थैंक यू सो मच कीप वॉच